ये जो दो, जार दो जार एक में एक वेव आई थी जब 2002 एक्चुअली 2002 में दो में आ, उससे पहले बहुत कम कुछ ऐसे शोज थे जहाँ पे आप लोगों ने सीखा कैसे के आर के वीजे बनते कैसे अच्छा दो चीज़ें एक तो पाकिस्तान में कोई लोकल म्यूजिक चैनल्स नहीं थे लेकिन हांगकॉन्ग से हमारे यहाँ एम और चैनल भी आता था उस वक्त भी तो उसमें काफ़ी वीजियज़ होते थे और हमारे माया देखी जाती थी क्योंकि हम बिल बोर्ड फॉलो कर रहे होते थे और फॉरन अपने चार्ट हो रहे हैं वो uh, थोड़ा बहुत उस ज़माने में इंडिया की प्रोग्रामिंग भी आती थी उनके भी कुछ शोजी इंडिया टी तो वी इंडिया भी आता ही था आपके वो साइरस और ये वो 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 सारे उनके वीजियज़ होते थे काफ़ी निखिल मजे के निखिल निखिल के तो शो में मैं गई भी थी अच्छा व्हेन आई वेंट टू इंडिया गॉन ऑन शो तो को थोड़ा बहुत देखना और फिर लर्निंग ऑन द जॉब लिटरली कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं कभी कैमरे के आगे नहीं कुछ नहीं लेकिन हमारे जो चैनल के सीईओ थे ना गॉड ब्लेसिंग अगर हाँ जी <laughs> तो उन्होंने ही वाज लाइक अ टीचर लाइक द मास्टर प्रोफेसर जो आपको ना पीएचडी की डिग्री करवा के छोड़ते हैं अपने <laughs> इंस्टीट्यूट से सो जब कहते रहते हैं यहाँ पर तो कोई फिल्म स्कूल नहीं है या कोई इस्टेब्लिश्ड राइटिंग स्कूल नहीं है या कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए आप कहाँ जाएँ तो आई थिंक ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन

और हमारा जो टीवी पे जो कॉन्टेंट बन रहा है ड्रामों का उसमें सबसे बड़ा मसला जो दिखाया जाता है वो ये कि लड़की की शादी कर दो तो बस अठारह हाँ। साल की होगी उन्नीस साल की होगी बीस साल की होगी शादी कर दो तो, तो वी हाँ। रिग्रेस्ट From Haan. 2000 to to 2023 in the past 20 years. Yeah, dramas uh, jo hai, I guess they cater to a certain अच्छा या कुछ बुरा तो नहीं कहूँगी लेकिन ये जरूर कहूंगी किसी मिलनी चाहिए ना कि जिनके वाल ने बोला अट्ठारह साल की उम्र में बेटा जाओ कुछ इंडिपेंडेंस लाइक आप फाइनेंशियल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों अपना काम करें अपना कोई नाम बनाए एंड

उंडल्ड you know, टाइम right right <laughs> <अगरागा। laughs> <अगरागा। laughs> लोग पूछते हैं आपने क्यों नहीं की मैं हसन पूछेंगे <laughs> <आगरागा। laughs> तो मैं पहले बता देती हूँ तो so मैं उनको हमेशा की जवाब देती हूँ की बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी अला की मर्जी जब अल्लाह की मर्जी होगी बताया था कि मर्जी नहीं थी अभी तक तो जब होगी so उसके बाद uh, I've not but good on you for for speaking about it because yeah I mean there's nothing to hide I mean ये चीजें तो होती हैं रोज़ आए दिन किसी की शादी खत्म हो जाती है किसी की शादी चल जाती है किसी की नहीं होती है कुछ कुछ ना कुछ होते रहता है लेकिन मुझे लगता है कि तीसरी वेरी रियल लाइफ इश्यूज hmm. इनमें कोई हो है वाली बात तो है नहीं hmm. सबके घर में कुछ ना कुछ लगा हुआ है तो अब आई एम ग्लैड कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है और इतनी ओपन माइंडेड है कि ये चीज़ें हमारे घर में इतनी मायने नहीं रखती ज़्यादा ये है कि आप काम कर रहे हो ईमानदारी से कर रहे हो किसी का पैसा तो नहीं खा रहे टाइम के पाबंद हो सच बोलते हो यार, अच्छे लोग हो चैरिटी करते हो या नहीं करते हो <laughs> लोगों के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है इन चीज़ों पर बहुत हमारे घर में ये किसी को परवाह नहीं है कि हमारी औलाद डिसऑनेस्ट तो नहीं है गई भाई

पंद्रह साल की थी जब मैं कुछ दो महीने की छुट्टी पर अमेरिका गई थी अच्छा। अपने पेरेंट्स के साथ ही और उस ज़माने में बड़े बड़े वीडियो कैमरास होते, yes, तो जो होते थे जो लोग शादी पे होते थे और वो बड़ा भारी होता था और अबू के पास एक नया था और हर जगह हमारी वीडियोस बना रहे थे बच्चों को अमेरिका लेकर आए तो <laughs> वहाँ पर मैं एक डिओड्रेंट का बॉटल ले मैंने पूरे अमेरिका में होस्ट किया है एज ए फिफ्टीन ईयर ओल्ड सारे कॉम आज हम कैलिफोर्निया में मौजूद हैं और यहाँ पे ठंड हो रही है और समंदर में मछलियाँ भी नजर आ रही हैं फिर एयरपोर्ट पे ना मैं आज हम यहाँ इस एयरपोर्ट में और हमारी फ्लाइट दो घंटे डिलेवी आई वाज होस्टिंग थ्रू आउट फॉर माय फादर तो आई नेवर न्यू डेफिनेटली हैड इट इन मी अंदर था कहीं बैठा हुआ होस्ट सो दैट वॉज एंड अगैन वेरी सपोर्टिव मैन आई टोल्ड माई फादर अच्छा तो माई मदर यूज टू मॉडल In the 70s. Acha. You know? Acting your elder reke. sister was also modern. My elder sister was also. My father was pretty much chilled out. I As As long as you're working hard. I was like, you're working hard, you're working honestly. I was like, yes. he's uh. good. I'm, I'm proud of you. <laughs> yeah. So that's how Vijayan started. But so no, but, I went into the network for news.

तो ऑन द लाइन्स ऑफ किताब लिखनी है कभी